बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने आखिर ये ट्वीट क्यों किया है। ग्राफिक्स के जरिए एक चीज आपके सामने रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने कई ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जिन पर दंगे भड़काने जैसे गंभीर आरोप है। अब जैसे कैराना की बात कर ले, कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया। अब नाहिद पर हिंदुओं का पलायन करने का आरोप है। और मेरठ से समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी की हिस्ट्री शीट बन चुकी है उसका जिक्र किया। किठौर की बात करें तो किठौर से शाहिद मंजूर पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लग चुका है। धौलाना की बात करें तो वहां से असलम चौधरी भी दागी हैं। तो एक एक नाम जो आपके सामने हम रखते जा रहे हैं, फिर वो चाहे किठौर से शाहिद मंजूर है जिन पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा हो, असलम चौधरी हैं जिन्हें धौलाना से टिकट दिया गया है, इन पर भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। कैराना की बात करें, नाहिद हसन की बात करें तो नाहिद हसन तो इस वक्त खुद ही सलाखों के पीछे हैं। हिंदुओं का पलायन हुआ, ये इतना गंभीर आरोप नाहिद हसन पर लगा। अब यूपी के चुनावी रण में आज का घमासान बड़ा है और नेता भी पूरे एक्शन में है। बीजेपी आज अपना चुनाव प्रचार रथ रवाना करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। आज ही उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस अपना यूथ मैनिफेस्टो भी जारी करने वाली है। दोपहर 12 बजे घोषणा की जाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस यूथ मैनिफेस्टो को जारी करेंगे और आज से ही यूपी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। अब सबसे पहले बात बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ की। यह रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाएगा और प्रचार रथ पर योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। प्रचार रथ पर एक स्क्रीन भी लगी हुई होगी। एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। 403 विधानसभा सीटों पर यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रथ घूमेगा। प्रचार रथ पर योगी सरकार की उपलब्धियां, उनके रिपोर्ट, उनके अच्छे कामों का स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और 5 साल के कामकाज का पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। देखिए, रैलियों पर रोक लगी हुई है, नुक्कड़ सभाएं भी नहीं हो सकती है। ऐसे में ये रथ घूम घूम कर प्रचार करेगा। ये आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो आज 2 बड़े कार्यक्रम है उनके। सबसे पहले वो आगरा रीजन की 40 सीटों के पार्टी पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे, चुनावी रणनीति बनाने का काम होगा। और आगरा से जेपी नड्डा बरेली जाएंगे और बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। अब आप ये सोचिए, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे बरेली, जो कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ कही जाती है। यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र है। अब देखिए, यहाँ पर जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आज कांग्रेस भी यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में दिखेगी। राहुल और प्रियंका गांधी आज यूपी के लिए मैनिफेस्टो जारी करेंगे। महिलाओं के लिए कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर चुकी है, लेकिन आज जो मैनिफेस्टो जारी होगा वो यूथ मैनिफेस्टो होगा। इन टोटैलिटी आप समझ सकते हैं, जिसमें महिलाएं हो, लड़के हो, नौजवान हो, सभी के लिए, युवाओं के लिए ये मैनिफेस्टो आज जारी किया जाएगा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। कांग्रेस का जोर यूथ वोटर पर है, इसलिए वो युवाओं के लिए अगर मैनिफेस्टो जारी कर रही है। वजह यह है कि यूपी में कुल 15 करोड़ वोटर हैं और इनमें से आधे यानी 7.5 करोड़ वोटर 40 साल से कम उम्र के हैं। अब आप देखिए, यूपी में कुल वोटर्स की संख्या 15 करोड़ है और युवा वोटर्स की संख्या की बात की जाए तो ये 7.5 लाख के करीब है। इसका सीधा सीधा असर ये होता है, अगर यूथ किसी एक पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, उनकी योजनाओं से प्रभावित हो जाता है, तो बहुत बड़ा गेन उस पार्टी के लिए कहा जा सकता है। अब यूपी के चुनाव में इस वक्त करहल विधानसभा सीट पर भी जबरदस्त सियासी जंग दिखने वाली है। यहां यादव बनाम यादव की जंग होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और आप जानते हैं मैनपुरी की करहल सीट, जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर देखी जाती है, अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में होंगे। तो बीजेपी की ओर से संजीव यादव यहां से चुनावी मैदान में होंगे। अखिलेश यादव के करहल सीट से चुनाव लड़ने की 3 बड़ी वजह है, वो भी आपके सामने रखते हैं। पहली वजह तो ये कि 2017 की मोदी लहर में भी करहल में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई थी। वहां का कास्ट फैक्टर अखिलेश यादव के पक्ष में माना जा रहा है। अब करहल सीट अखिलेश यादव के गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में ये भी उनके लिए मुफीद है और ये इलाका उनके परिवार का गढ़ है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। सो थोड़ा रोक के रखिएगा जाति वाला।
हाँ, इसे जरा रोक के रखिए। आप कुशवाहा देखिए, 9% वोटर्स यहाँ पर है, मुसलमानों का प्रतिशत 5 है, और इससे पहले हमने जो यादव प्रतिशत दिखाया था, यदि आप एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा सकें तो वो दिखा दीजिए जरा, इससे पहले का जो कास्ट फैक्टर था। चलिए, करहल से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और बीजेपी ने पूछा है कि विकास करने का दावा करने वाले अखिलेश घरों से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया, लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। मैं उन्होंने विकास किया होता तो विकास करने वाले क्षेत्र में जाते, विकास किया नहीं है, विकास के नाम पे झूठ बोलते रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो वो में कन्नौज से चुनाव लड़ सकते थे, जिस कन्नौज को वो अपना बताते थे, वो इटावा जहां से उनका गृह जनपद है वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जोड़ पाए। और निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है, और इसीलिए वो एक जानबूझ कर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।